आरोग्य जागृति। दोस्तों, आरोग्य जागृति में आज औरंगाबाद में दूसरी बार हो रहे सोहन कुमार प्रेजेंट 4 डे लखन पल्लीकर ब्राइडल मेकअप वर्कशॉप के बारे में जानेंगे। ये वर्कशॉप ब्यूटिशियंस की डिमांड पर वापस रखा गया। इस वर्कशॉप में पहली बार हाउसफुल का बोर्ड लगाया गया। इस वर्कशॉप में लातूर, नांदेड़, वसमत, मानवत, अकोला, यवतमाल और विदर्भा की राजधानी नागपुर, यहाँ से भी ब्यूटिशियंस ने शिरकत की। इस बार का ये वर्कशॉप कुछ अनोखा रहा, क्योंकि आरोग्य जागृति ने पिछले सेमिनार को अपने मैगजीन के फ्रंट कवर में इस सेमिनार को जगह दी और उसी मैगजीन का इनॉग्रेशन इस वर्कशॉप में लखन पल्लीकर, सोहन कुमार और ब्यूटिशियंस के साथ मैगजीन के संपादक डॉक्टर अफसर शेख इनके हाथों हुआ। साथ ही देखा गया ब्यूटिशियंस इस वर्कशॉप से बेहद खुश नजर आई और वर्कशॉप खत्म होने पर काफी ब्यूटिशियंस भावुक नजर आई। लखन पल्लीकर ने भी ब्यूटिशियंस को और औरंगाबाद को थैंक्स कहा। अगले बार फिर नए अंदाज में शिरकत करेंगे। आइए देखते हैं इस वर्कशॉप की कुछ झलकियाँ। मैं अभी औरंगाबाद में तीसरी दफा आ रहा हूँ और मुझे आज दोनों दफा जब आया था तब जितनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी, तब उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे आज हो रही है। बिकॉज़ ये हमारा थर्ड वर्कशॉप है। एक सेमिनार फर्स्ट हो गया, सेकेंड वर्कशॉप हो गया, अभी ये थर्ड वर्कशॉप है। तो इतनी एंट्री फुल हो गई कि हमें क्लोज करनी पड़ी। मतलब फुल मतलब क्या बोलेंगे कि पैसा वसूल शो हो गया ऐसा, मतलब प्लेटफॉर्म रहा। और औरंगाबाद की पब्लिक मुझे इतनी पसंद करती है, मैं सच में खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि वो इतने लाइक कर रहे हैं और मुझे बार बार वापस आने का मौका दे रहे हैं। और मैं भी जितना मुझे अच्छा सिखाने का मौका मिल रहा है, मैं उस हिसाब से उनको अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, ब्यूटिशियन ने आपके बारे में काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी बातें किए हैं, इस सच में ऐसी क्या कला है जो आप लोगों इतना लाइक कर रहे हैं? एक तो है कि उनके साथ एक फैमिली रिलेशन बना है। काफ़ी आर्टिस्ट का ऐसा रहता है कि काफ़ी सारा एटीट्यूड कैरी करके चलते हैं। सो मैं थोड़ा मतलब मेरा देखने का नज़रिया बहुत अलग है ब्यूटिशियन को लेके, और मैं उस हिसाब से दिलो जान से मैं उनको सिखा देता हूँ, इसके वजह से वो मुझे शायद पसंद करते हैं। सर, और आपके सेमिनार में हमने देखा है कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च नहीं करते हो, yes. क्या रीज़न है? एक्चुअल काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में आ रही है और खुद का प्रमोशन कर रही है, खुद का बिजनेस बढ़ा रही है, गलत प्रोडक्ट्स भी हाथ में डाल रही है। लेकिन मेरा खुद का ये है कि मुझे ब्यूटिशियंस को एजुकेटेड बनाना है, ना कि मेरा काम प्रोडक्ट बेचना है। तो इस हिसाब से फिर मैं किसी कंपनी को लॉन्च नहीं करता हूँ, मैं प्योर एंड पूरा नॉलेज देता हूँ उसे। सोम सर, आपने अभी तो यहाँ पर 3 बार ऑर्गेनाइज़ किया है, आपको ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या दिक्कतें हुई हैं और आप कैसा महसूस करते हो आपका आज का सेमिनार? बहुत अच्छा सवाल शेख सर आपका, क्योंकि क्या है ना, आज आप देखेंगे कि औरंगाबाद के अंदर क्या होता है कि काफ़ी ब्यूटिशियंस को वो इतना ये करते हैं कि उनको एक आदत सी पड़ी है कि हम छोटे छोटे सेमिनार करते हैं। लेकिन आज अगर देखेंगे ना सर आप कि मराठवाड़ा से नहीं बल्कि विदर्भा के भी लास्ट वाले कोने से, मतलब मैं बोलूँगा कि विदर्भा की राजधानी जिसे नागपुर बोलते हैं, वहाँ से ब्यूटिशियंस हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि लखन सर और मैं मिलकर इस औरंगाबाद को ब्यूटी का हब बनाएंगे। यहाँ से जो लोग पुणे मुंबई नहीं जा सकते वो आए, और यहाँ अभी आप पहली बार देख रहे होंगे कि ये औरंगाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने एंट्री को ब्लॉक कर दिया। हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है, जो हमारा टारगेट कंप्लीट होना था वो शो शुरू होने के 5 दिन पहले ही हमने इसको क्लोज कर दिया है। तो इसका ये मतलब, हाँ ठीक है, मानता हूँ मैं कि थोड़ी सी मेहनत उन लोगों के तक पहुँचने के लिए मुझे करनी पड़ी, लेकिन बाय गॉड आज का जो खुशी मेरे को मिल रही है शो के बारे में, कोई लोग बहुत कम लोग इस लाइन में मुझे जानते हैं, लेकिन वो उनके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप जब भी समय पड़े तो एक बार कांटेक्ट कीजिए। हम लोग वापस लखन सर को बुलाएंगे और लखन सर के साथ एक ग्रूम का हम लोग करने वाले हैं। तो ग्रूम में ऐसा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सलून वाले या बार्बर शॉप वाले यहाँ आए, महिलाएँ भी आ सकती है इसमें, तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ब्यूटिशियन ने भी। हम सबसे उम्मीद करते हैं और सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो प्लीज़ हमारा जो ग्रूम वाला एक सेमिनार हम लोग 1 डे का करने वाले हैं उसमें वो सब लोग आए। थैंक यू सर। आपने अभी तक सब ब्यूटिशियन के हमने व्यूज दिए हैं, काफ़ी आपकी तारीफ की है, इसकी क्या वजह है, आपने कैसा उनको कनेक्ट किया? हाँ, ये मतलब ये तो मैं उनका बढ़तपन समझता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैंने उनके सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। मैं छोटी छोटी बातों का उनका बहुत ख्याल रखता हूँ, क्योंकि जब उनके हस्बैंड्स या उनके परिवार वाले ऐसे जोन में भेजते हैं
तो उनको ऐसा लगता है कि पूरा दिन वो चार दिन वहाँ रहेगी, चार दिन बैठेगी तो कैसे, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी परिवार में नहीं। काफ़ी महिलाओं ने बोले कि हम लोग सासर और मैका, जिसको हम लोग ससुराल और मैका बोलते हैं, कि हम लोग मैके जैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब मैं उनका भाई हूँ और भाई जैसा हमको ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात मेरे लिए होती है कि काफ़ी सारे मेरे बहनों की लिस्ट में काफ़ी लेडीज और काफ़ी ब्यूटीशियंस बढ़ रही, इस बात का भी मुझे बहुत खुशी होती है सर। थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ पूनम शेंडे फ्रॉम यवतमाल। माय पार्लर नेम इज़ सिज़रो ब्यूटी स्पा एंड लाउंज। मैं तो आने वाली नहीं थी पहले, क्योंकि अब तक बहुत सारे वर्कशॉप किए हैं तो अभी करना नहीं था क्या मेकअप करें। फिर सोचा और सर को फॉलो किया यूट्यूब पे, फिर लगा कि चलो जाके देखेंगे। तो अब यहाँ आने के बाद पता चला है कि सही नॉलेज क्या है, कि नॉलेज जो होता है सही क्या है। पूरा टेक्निक उल्टा था मेरा। अभी यहाँ आने के बाद अब थर्ड डे है आज का, तो बहुत सेटिस्फाइड है मैंने दिल और खुश है, क्योंकि अभी तक जो मेकअप आर्टिस्ट हम बोलते थे, तो सही में यहाँ आने के बाद मैं खुद के नाम पे आगे मेकअप आर्टिस्ट से लगाने का सही मतलब होगा आज जाने के बाद। लखन सर ने इतना अच्छा सिखाया और जो स्टेप बाय स्टेप नैनोटेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद हम अटके थे HD 3D में, मेकअप में सब, आईज में, तो सब क्लियर हो गया है। तो एक पूरा ऐसे समाधान जो बोलते हैं तो पूरा हो गया है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं तो फिर अगले इसके बाद हम स्टूडेंट रखेंगे हमारे पास, हम टीचर्स होंगे, तो उनको भी सही टेक्निक अगर आप देंगे तो आप आगे जा सकते हो। तो ये जो है सब क्लियर, तो ये आज ये वर्कशॉप में क्लियर हो गया है। और पूरा सोम सर का भी बहुत अच्छा है, खाना वगैरह सब फैमिलियर है, फ्रेंड्स वगैरह सब ग्रुप अच्छा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। वर्षा नाइक नवरे फ्रॉम लातूर। माय पार्लर नेम इज़ श्रावणी ब्यूटी पार्लर। मैं यहाँ पे चार दिन के वर्कशॉप के लिए आई हूँ लखन सर के, जो सोहन सर ने ऑर्गेनाइज किया है। वर्कशॉप बहुत ही अच्छा है, डीप नॉलेज है, प्रोडक्ट नॉलेज, ब्रश नॉलेज, सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। मैम, आपको ऐसा लगा है कि मैंने जो फीस भरी है उसके मुताबिक आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, वर्कशॉप में सीखने मिल रहा है आपको? उसके मुताबिक ज़्यादा मिल रहा है, फीस के मुताबिक ज़्यादा मिल रहा है नॉलेज यहाँ पे। आपने अभी तक वर्कशॉप किया है, ये वर्कशॉप में और अदर वर्कशॉप में क्या चेंजेस लगा आपको? अदर वर्कशॉप में और ये वर्कशॉप में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फैमिली एनवायरनमेंट ज़्यादा है, यूनिटी है और सब मिलजुल के रहते हैं। अगर किसी को किस चीज़ की कमी है तो वो एकदम से बोलते मेरे पास है, ले जाओ, है मेरे पास, मैं देती हूँ, टेंशन मत लो, ये बात इस वर्कशॉप में। मैं तो मेकअप में ज़्यादा उतरना चाहती हूँ इस वर्कशॉप के बाद। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। अभी तक मुझे कॉन्फिडेंस कम था कि मैं मेकअप नहीं कर सकूँगी, लेकिन ये वर्कशॉप के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। आई एम शीतल गायकवाड़ फ्रॉम नागपुर। मैं यहाँ आने से पहले बहुत कंफ्यूज थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सीख पाएंगे यहाँ के। मैंने सोहम सर से भी सुना था कि यहाँ के आप बहुत सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो हमारे मेकअप में का हर सवाल का जवाब है लखन पार्लेकर सर। हमारे हर सवाल का जवाब मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, और डेफिनेटली मैं मेरे मेकअप में बहुत इम्प्रूव करूँगी, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ जो भी आना चाहते हैं लखन सर से आप सीख लीजिए, आप डेफिनेटली कामयाब होके रहेंगे। मैम, अभी नागपुर से आप यहाँ पे आए हो, हाँ, आपको अब चार दिन यहाँ पे रहना है और अब तीन दिन आपने किया है कम्प्लीटली, हाँ हाँ, इसमें आपने क्या सीखा अच्छा, और हमने इतने दूर से आने के बाद आपको लगा सेटिस्फाई कि मैं यहाँ से, हमने बेसिक नॉलेज एकदम बेसिक से, मतलब कलर फैमिली क्या होती है, ब्रश कैसे पकड़ना है, कहाँ से कहाँ तक मेकअप करना है, ये कोई नहीं सिखाता, हर कोई नहीं सिखाता। और यहाँ के प्रोडक्ट्स भी ऐसे नहीं, हमसे कोई छुपा नहीं है, हर चीज़ बता देते हैं, सर ये प्रोडक्ट यूज़ करो, वो प्रोडक्ट यूज़ करो। हम बहुत खुश हैं यहाँ के, और जो भी क्लास करना चाहे डेफिनेटली लखन सर का क्लास कीजिए, बहुत ही अच्छा है। वर्कशॉप में ऐसा क्या नया सीखने को मिला है जो आप पहले नहीं देखा? बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, HD 3D जो भी कुछ मेकअप है उसके मतलब समझ में आए हैं। हम मेकअप तो बहुत करते थे मगर उसके मतलब भी समझ में आने चाहिए थे, वो जो मेकअप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो बाद में का तरीका है, मगर जो भी कुछ करते हैं वो अच्छे तरीके से बताते हैं। आपने अभी तक जो पार्लर चला रहे हो, आपको क्या ऐसा लगा कि तीन दिन के वर्कशॉप के बाद इम्प्रूव हो,
गलतियाँ मेरी एक्सेप्ट कर रही हैं। हाँ, बहुत सारी गलतियाँ होती थी मेरी, जैसे कि मेकअप करते वक्त मुझे घबराहट होती थी, जो भी कुछ करती थी अच्छा, मगर जो भी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल कम था वो आज बढ़ गया। देखिए, जो भी आज तक जो भी मेकअप कर रहे थे उसमें तो हम सेटिस्फाइड नहीं थे, और सर के जो मेकअप है मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च करके देखे, जो कमियां है वो अब हमारी पूरी हो रही है। इसमें मेन चीज़ है बेस लगाना, और जो आई मेकअप है अभी जो ज़्यादातर आई मेकअप पर फोकस होता है, और बेस लगाना वो तो हम लोग आज तक मेरे ख्याल से हम गलत ही करते आ रहे थे, तो वो अभी आगे चल के हमारा मतलब जो भी इन लोगों की जैसा मेकअप होना चाहिए वो आई थिंक होगा अब से आगे। तो क्या सजेशन देना, मतलब संदेश देना चाहेंगे? अभी सब तो अलग अलग ब्यूटी मतलब मेकअप आर्टिस्ट से सीखे हैं, गलत सीखे या सही सीखे नहीं मालूम, पर मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है मुझे कि एक बार सर का क्लास करना चाहिए, वर्कशॉप करो या फिर वन डे सेमिनार करो, लेकिन करो, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ कमियाँ है हमारी वो सब क्लियर हो रही है, और सर 100% दे रहे हैं अपना, जो भी कुछ दे रहे 100% दे रहे, तो बारीक बारीक जो भी कमियाँ है वो सब मतलब आईलाइनर लगाने से लिपस्टिक लगाने तक की जो भी कमियाँ है हमारे अंदर वो सब अब समझ में आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम फीलिंग रियली लक्की टू माई सेल्फ कि मुझे दोबारा चांस मिला लखन सर के पास मेकअप करने के लिए। बहुत अच्छा फील हुआ, और आगे भी जब भी लखन सर के यहाँ पे मेकअप के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं पक्का जाऊँगी। लखन सर ने मुझे बताया कि उनका लैक्मे तनिष्क जैसी कंपनियों में टाइप है उनका, तो वो आगे चल के भी मुझे मौका देने वाले हैं उनके साथ काम करने के लिए। सेलेक्ट हुआ है, आपको कैसा महसूस होगा और क्या फील करेंगे? मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मुझे फिर से मौका मिले। मैं नीता दरेकर का, मैं अकोला से आई हूँ, और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि लखन सर का वर्कशॉप बहुत अच्छा है, तो मैंने सोहम सर को कॉल लगा के यहाँ एडमिशन ली, लेकिन सही में बहुत अच्छा है लखन सर का वर्कशॉप, और हमको बहुत सारा सीखने को मिला। इससे पहले भी हमने कोर्सेज किए बड़े बड़े, लेकिन ये कोर्स थोड़ा अलग था। तीन दिन का अनुभव तो क्रिएटिविटी ये बहुत सीखे हम, जो हमको थोड़ा थोड़ा गलत सिखाया था उससे थोड़ा बेटर सीख गए। मेरा नाम उज्ज्वला मुरुमकर है, मैं औरंगाबाद से ही हूँ। मैंने ये लखन परिकर सर का जो वर्कशॉप है पहले बार जब हुआ तब मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं ये ज्वाइन नहीं कर पाई। फिर मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि फिर से एक बार हो, पर मुझे जब पता चला कि फिर से सोहन सर ने लखन परिकर सर का अरेंज किया है, तो फिर मैं एक पैर पे तैयार हो गई कि सर आप मेरा पैसे पहले लो, सबसे पहले लो, पर मुझे ज्वाइन कर लो। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, और जो भी हमारी क्यूरीज है छोटी छोटी स्लिप भी हो तो भी सर बताते हैं, और वो भी पूरा हंसकर, मतलब बिल्कुल भी चिड़चिड़ नहीं। आईज जो मेरा कमजोरी थी कि आईज मेकअप वो बहुत अच्छी तरह से सीखे। हाँ, किए थे, उससे बहुत ही अच्छा है। वंदना चौहान है, मैं बीड बाईपास रोड पे रहती, औरंगाबाद से ही हूँ। मेरे पार्लर का नाम प्रसन्न ब्यूटी पार्लर है, और ये सर का वर्कशॉप ज्वाइन करते मेरे मन में ना बहुत सवाल थे, और लेकिन यहाँ आके ना मेरे मतलब पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया। सर के ना सिखाने के टेक्निक बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंपल है, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। थैंक यू। से मैं लास्ट स्टेशन से आई हूँ, मुझे सोहम सर से ये क्लास के बारे में पता चला, एक इस वर्कशॉप के बारे में, तो मैंने लखन सर के मैं काफ़ी उनको यूट्यूब पर फॉलो भी करती थी, लेकिन मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि सर के हाथ से हमें यह सीखना, मुझे इतने पास अपने औरंगाबाद में अपने को सीखना मिल सकता है, लेकिन जब सोहम सर ने बताया तो बहुत ही अच्छा लगा, और तीन दिन से हम लगातार सर के साथ है, और एक फैमिली जैसा फील भी हो रहा है, ऐसा कुछ अनकम्फर्ट बोलने जैसा कुछ भी नहीं है, और सब कुछ अच्छी तरह से सिखाया जा रहा है। हमें जो ट्रिक्स मालूम नहीं थी ये सब लखन सर ने बताया,
और उसको मतलब सोहम सर ने लखन सर को लाया, इसलिए सोहम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज तक जो भी वर्कशॉप या सेमिनार हुए, कुछ भी हुआ, तो ऐसा पूरा डिटेल्स नहीं दिया उन्होंने, लेकिन लखन सर ने, आज आप हमारा तीसरा दिन है, लखन सर ने पूरे प्रोडक्ट नॉलेज मतलब जो भी बताया था सोहम सर ने कि प्रोडक्ट नॉलेज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो पूरा सब क्लियर हुआ हमारा, मतलब मास्टर क्लास ही हुआ ये पूरा। कहाँ से मैडम? औरंगाबाद से। कौन सा पार्लर से? रेखास ब्यूटी जोन।